जो यहाँ पे मेल मिलाप है, प्यार है एक दूसरे के साथ, यहाँ सब मुझे बोलते रहते भाई ठीक है यामिनी ठीक है, तो ऐसा वहाँ पे नहीं होता। शहरों में बहुत तेज रफ्तार जिंदगी है, तो ये चीज अच्छी लगती है। अच्छा एक बात बताइए, जब आम चुनाव हुए थे, स्वर्गीय होशियार सिंह जी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था, उस दौरान हमने पहली बार जब उनसे बातचीत की थी, उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने पहली बार में ही ये कहा था कि मेरा ये जो चुनाव है ये राजनीति की पहली सीढ़ी है। साफ भाषा में कहे तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम विधानसभा लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। उनका वो सपना अधूरा रह गया, उसको आप किस प्रकार से देखते? क्या आने वाले समय में आप भी उन्हीं की पद चिन्हों पर चल करके इस प्रकार की तैयारियां करेंगे? जिला परिषद के उपचुनाव में एक महिला लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं सुनने का काम कर रही है और समय आने पर उन समस्याओं का निपटान करने की बात कह रही है। और मैं इस समय मौजूद हूं मुगलपुरा गांव में, जिस महिला की मैं बात कर रहा हूं वो मेरे साथ मौजूद है, यामिनी सेलवाल जी। यामिनी जी, आज का जो ये चुनाव प्रचार है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि डोर टू डोर आप करते हुए दिखाई दे रही है, तो महिलाओं के बीच में आप जाती है, आजकल काम का समय है, पुरुष मिलते नहीं होंगे, महिलाएं ज्यादा मिलती है, और महिला आपको किस प्रकार की समस्याएं बता रही है और आप उनको किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान निकालने की बात कर रही है? नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका जो आपने प्रश्न पूछा है कि एक महिला है, तो एक नहीं, आप देखो कितनी सारी हैं, और ये तो अभी ऐसा है कि कुछ इधर गई हैं कुछ उधर गई हैं, तो मैं अकेली नहीं हूँ जो कि गांव गांव में इतनी 35 डिग्री की गर्मी हो रही है और हम जा रहे हैं, जी तो पूरा साथ है, घर का, परिवार का, गाँव का, सब मेरे साथ चल रहे हैं। और अभी जो हमारा मकसद है, मुगलपुरा अपना गांव है, तो हमें लोग कह रहे हैं कि यहाँ वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों आए हो। मैं तो मैंने कहा भाई मैं शादी के बाद पहली बार आ रही हूँ, तो बस ये है कि सबसे मिल लें, क्योंकि हमें मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमारी जॉब्स बाहर थी, अब हम यहाँ हैं, तो बस सबका आशीर्वाद लेना है क्योंकि बहुत एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए हम आए हैं। जहाँ तक बात है परेशानियों की, तो हाँ बहुत सी परेशानियाँ, जैसे मैं मिल रही हूँ सभी महिलाओं से, बहुत सी परेशानियाँ हैं, विकास जी भी मिल रहे हैं तो उनसे भी वो अपनी साझा कर रही हैं क्या दिक्कतें हैं। चुनिंदा बातों में से मैं कुछ कहना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारी है चीज़ें जो उन पर काम करने की ज़रूरत है। जी सबसे पहले पानी की, खारा पानी है तो पानी अच्छा आए, ताकि हर घर में एक नल हो और उसमें अच्छा पानी हो जो कि पीने लायक हो। पीने लायक पानी को लेकर के तो आपके ससुर जी स्वर्गीय होशियार सिंह सेलवाल जी, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ी है और कहीं ना कहीं वो उसमें सफल भी हुए। बिल्कुल जी, उन्होंने जो काम किया है, मैं कहूंगी कि वो सबसे बड़ा उदाहरण है समाज के लिए कि शिक्षा और आपका अनुभव किस तरह से समाज के लिए काम कर सकता है। क्योंकि पापा जैसे कि एक्सियन रिटायर्ड थे, पीडब्ल्यूडी में बहुत बड़े Class 1 ऑफिसर रहे हुए हैं, जी उनकी जो पढ़ाई थी, उनका जो एक्सपीरियंस था, उसके थ्रू उन्होंने टेक्निकली पूरा जितना टेक्निकली होना चाहिए था सारा कुछ करा है काम, कि किस तरह से भाखड़ा का पानी यहाँ तक आ सकता है। हम आज भी कई बार देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पापा के पड़े हैं कि हाँ इस पे उन्होंने काम किया है, तो बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने एक इतन पानी जो कि बहुत अहम है जीवन के लिए, समाज के लिए, उस पर काम किया और अपना इतना काम किया कि आज ऐसा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जबकि सारे हमारे गांव में अच्छा पानी होगा। और उन्होंने जितना उनका अनुभव था सब उसमें लगा दिया, जितनी शक्ति थी सब लगा दी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ किस्से आपके सामने आते हैं, कुछ लोग उनका जिक्र करते होंगे कि होशियार सिंह जी इस प्रकार के कार्य करवाते थे, कुछ भावुकतापूर्ण पल आपको याद दिलवाते हैं? मुझे जैसे मैं मिल रही हूँ तो एक गांव में एक दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और छोड़ा नहीं, कहा कि देखो हमें बहुत टाइम बाद एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा प्रत्याशी मिला था जो कि बिना कहे हमारे काम करवाता था, तो अब तुम्हारा फर्ज है कि वही बनो और ऐसा ही करो। तो ऐसा बनना मतलब वो अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली चीज़ है कि हमारे पिताजी जो इतना सब कुछ करते थे, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चले और आगे अपने मकसद में बढ़े हैं। विकास जी का कंधे से कंधे मिलाकर के आप साथ देने की कोशिश कर रहे हो, सफलता कितनी दिखाई देती है? क्योंकि गांव में जब जाते हो, आपका रहन सहन जिस प्रकार से आपकी जॉब के अनुसार बताया है कि एक शहरी रहा है, लेकिन अब गांव में जाकर के जब आप लोगों से मिलते हो तो कितना डिफरेंट आपको दिखाई देता है? देखिए हम लोग अपनी, क्योंकि पापा भी यहाँ से पढ़ाई के बाद बाहर रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों में उन्होंने नौकरी करी है, तो हमारा, मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं,
क्लास वन ऑफिसर रहे हैं, तो हमारा शहरों में रहना हुआ है और वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई है, पर जो हमारी जड़ें हैं वो गांव में ही हैं। मेरा पैतृक गांव मुलाना है, तो हम लोग गांव में रहे हैं, विकास का यहाँ है। तो ऐसा नहीं है कि हम दूर थे पढ़ाई के लिए, जब आपको कुछ सीखना होता है आप घर से दूर जाते हो। राम जी भी वनवास गए थे, राम जी भी पढ़ने गए थे, तो पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आप वापस आके अपनी जड़ों से दूर हो जाते हो, ठीक है। आपको एक नया अनुभव मिलता है जिससे आप आगे का काम कर सकते हो, अपने समाज के काम आ सकते हो। तो यहाँ आके जो प्यार मिल रहा है ये एक चीज़ है जो कि शहरों में नहीं मिलती। हम लोग मुंबई रहते थे जरूर, बट इतना था कि सब लोग अपने कामों में रहते थे। जो यहाँ पे मेल मिलाप है, प्यार है एक दूसरे के साथ, यहाँ सब मुझे बोलते रहते भाई ठीक है यामिनी ठीक है, तो ऐसा वहाँ पे नहीं होता। शहरों में बहुत तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा एक बात बताइए, जब आम चुनाव हुए थे स्वर्गीय होशियार सिंह जी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था, उस दौरान हमने पहली बार जब उनसे बातचीत की थी, उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने पहली बार में ही ये कहा था कि मेरा ये जो चुनाव है ये राजनीति की पहली सीढ़ी है। साफ भाषा में कहे तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम विधानसभा लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। उनका वो सपना अधूरा रह गया, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या आने वाले समय में आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके इस प्रकार की तैयारियां करेंगे? देखिए पापा का, पापा ऐसा नहीं है कि 2 साल से 3 साल से समाज सेवा या कुछ कर रहे थे, उनका शुरुआत से जब से उन्होंने होश संभाला, जब से उन पे अपने परिवार की जिम्मेवारी है, तब से उन्होंने अपने परिवार का, अपने गाँव का, जितना उनसे कम तनख्वाह में भी उनका करा है, और जैसे जैसे आगे बढ़े उन्होंने अपने साथ मिलकर पूरे समाज के लिए जितना भी हो सका किया। अब समाज सेवा जब आप करते हो तो उसके आगे होता है कि आपके पास कुछ ऐसा पद हो जिससे आप और ज्यादा लोगों की समाज सेवा कर सके। इसलिए उनका मकसद था, उनका सपना था कि वो आगे जाके जैसा भी मौका मिले, जैसा जनता का साथ हो, तो हाँ अगर जनता चाहेगी तो वो आगे का चुनाव लड़ेंगे। तो यह डेफिनेटली उनका था कि आगे, लेकिन भगवान को क्या मंजूर है कैसे मंजूर है वो कोई नहीं जानता। आप देख रहे हैं आज वो हमारे बीच नहीं है, तो कुछ नहीं कह सकते आगे का टाइम क्या है, तो वो आगे का आने वाला टाइम ही बताएगा। तो उनके पद चिन्हों पर चल करके क्या आगे इस और आपका भी रास्ता तैयार हो सकता है? हमारा देखिए, हम जिस दुख वाली घड़ी से गुजरे हैं पिछले 3 महीनों में, हमारा हम एक कहा जाए बहुत ही बुरा ख्वाब था जिससे हम उठ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या गया बैठे बैठाए। पिता का जाना बहुत ही बहुत बड़ी दुख की घटना होती है किसी के भी जीवन में। तो ऐसे में जब आपको जिंदगी में आगे बढ़ना होता है तो आपको एक कहते तिनके का सहारा चाहिए होता है, तो उस तिनके का सहारा हमारे लिए सिर्फ एक चीज है कि पापा का जो लास्ट पद था, जो आखिरी पद था, उन्होंने शपथ ली थी उसमें उन्होंने कुछ काम शुरू करे थे जी। वो काम हमें पूरे करने हैं, क्योंकि हमें लगता है हम उन्हें वो पूरा करेंगे तो पापा का जो सपना था वो पूरा होगा। तो यही मकसद है। अंत में वार्ड के मतदाताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील मैं यही करना चाहूंगी कि आप लोग के पास एक अधिकार है, उस अधिकार को बहुत सोच समझ कर उसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए कि आपको, आपके पास मौका है। हम यहाँ हैं क्योंकि आपने एक बार हमारे पिताजी को जिताया था। हम उन्हीं वोटों की लाज रखने के लिए यहाँ हैं कि अभी चुनाव हुए थे, अभी वो जीते थे, तो जो लोगों ने विश्वास उन पे जताया था हम उस विश्वास को लेके आगे बढ़ें, वो जो काम अधूरे हैं वो पूरा करें। और अभी हमें आपके साथ की ज़रूरत है। आपको लगता है मुझसे मिलके, विकास से मिलके, हमारे साथ जितने साथी हैं उनसे मिलके कि हम आगे बढ़ पाएंगे, विकास में वो काबिलियत आपको लगती है तो आप हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल हम खुले दिलों से आपका धन्यवाद करेंगे और हम सिर्फ आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हम अपने जो हमारा मकसद है उसमें आगे बढ़े, इसके लिए जनता का आशीर्वाद चाहिए, तो बस साथ दीजिए। थैंक यू। हाँ जी, तो यामिनी सेलवाल जी हमारे साथ मौजूद थी, इनके विचार जो है वो आपको कैसे लगे हैं और जिस पद चिन्हों को लेकर के ये चल रही है उनको लेकर के आपके क्या विचार है? कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके जरूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।